थाना करारिया में आगामी त्योहारों पर नवरात्रि, रमजान, रामनवमी एवं महावीर जयंती, हनुमान जन्मोत्सव के मद्देनजर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विदिशा ग्रामीण तहसीलदार कैलाश नारायण, ओझा थाना करारिया प्रभारी अरुण सिंह एवं थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मीटिंग में तहसीलदार कैलाश नारायण ओझा के द्वारा बताया गया कि किसानों को अपने खेतों में नरवाई में आग न लगाएं, उसका भूसा बनवाएं और जिससे कि किसान को लाभ हो, और उसमें खेत में गहरी हकाई करवाएं, और कहा कि अगर कोई किसान अपने खेतों में आग लगाता पकड़ा गया तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कानूनन अपराध है। थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया है कि आपके ग्राम में कोई भी व्यक्ति किराए से रह रहा हो तो उसकी सूचना थाने में जरूर दें, जिससे कि उसका वेरिफिकेशन किया जा सके। आज TI मैडम ने और हमने मिलकर एक शांति समिति की बैठक ली है हमारे ग्रामीण क्षेत्र की, कि अभी जो नौदुर्गा का त्यौहार चल रहे हैं और मुस्लिम समुदाय का जो रमज़ान का महीना भी शुरू हो गया है, तो कोई इनके दोनों त्यौहार जो है चूँकि साथ साथ चल रहे हैं तो अच्छे मेल मिलाप से चलें, कोई किसी को एक दूसरे को परेशानी ना हो, और यदि कोई उत्सव वगैरह होता है जैसे कोई जवारे की रैली निकले या कोई चुनरी रैली निकले, ऐसी जानकारी हमने इनसे ली है कि ताकि हमें पहले से सूचना मिल जाए और हम उसकी व्यवस्था कर पाएँ। दूसरा, मैंने इनसे निवेदन किया है और समझाया भी है कि नरवाई में कोई आग न लगाए, यदि नरवाई में कोई आग लगाएगा तो उसकी FIR करने के प्रावधान अभी हैं, धारा 144 का आदेश किया हुआ है, तो कृपा करके नरवाई में आग कोई न लगाए, क्योंकि नरवाई में आग लग शांति समिति की बैठक आगामी त्यौहार हैं, रामनवमी है, उसके बाद में रमज़ान महीना भी चल रहा है, इसके परिप्रेक्ष्य में ली गई है कि दोनों त्यौहार आपसी भाईचारे से मनाएं। कोई भी यदि जुलूस रैली निकलती है तो उसके रूट की जानकारी पहले से ले लें और प्रशासन से अनुमति लें। इसी तरह ये भी पता है कि यदि कोई किराएदार, कोई बाहरी व्यक्ति आता है या किराए का मकान ले कर रहता है तो उसकी सूचना थाने पर देना अनिवार्य है, उसका वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। कलेक्टर साहब ने भी आदेश किए हुए हैं, अगर जो उन आदेशों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ में भी 188 की कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।